Today we discuss about seizures and epilepsy. Seizures और epilepsy में क्या होता है, यह एक neurological condition है. Seizures को अपन जैसे describe करते हैं तो seizures में क्या होता है, excessive immediate unwanted electrical impulses discharge into group of brain cells. जो brain की जो cells होती है उसमें excessive immediate unwanted impulses discharge होती है, उसको अपन सीजर्स बोलते हैं. एपिलेप्सी किसे बोलते हैं, एपिलेप्सी में अ डिजीज कंडीशन होती है इन विच जो नर्व सेल होती है उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे रिपीटेड एपिसोड ऑफ सीजर्स डेवलप होते हैं, उसको अपन एपिलेप्सी बोलते हैं. तो अपन डिस्कस करते हैं एपिलेप्सी. इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सीजर्स एपिलेप्सी इज अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम characterized by recurring seizures. Epilepsy syndrome are classified by specific pattern of clinical features, family history, seizures type. Epilepsy is a syndrome of another underlying condition such as brain tremor. जो epilepsy है वो group of syndrome है. Epilepsy के अंदर repeated episode होता है, जो नर्व सेल होती है उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज डेवलप होती है, उसको अपन एपिलेप्सी. इसमें सिंड्रोम क्लासिफाई जो उसमें पैटर्न होता है, उसमें क्लिनिकल फीचर जैसे फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं, सीजर्स के टाइप. एपिलेप्सी इज अ सिंड्रोम अनदर अंडरलाइनिंग सच एज ए ब्रेन ट्यूमर. इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं एपिलेप्सी की. एपिलेप्सी इज अ रिकरेंट सीजर्स डिसऑर्डर करेक्टराइज बाई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन, ऑफन इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. और इसको अपन डिफाइन करते हैं, एपिलेप्सी इज अ क्रोनिक सीजर डिसऑर्डर विद रिकरेंट एंड अनप्रोवोक्ड सीजर. जो एपिलेप्सी है इसके अंदर जो नर्व सेल नर्व की जो सेल है उस वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें जो एपिसोड बारी बारी जो एपिसोड आते हैं, जो एपिसोड डेवलप होते हैं, उसको अपन एपिलेप्सी की डेफिनेशन. नेक्स्ट सेकेंड वन देखते हैं अपने, एपिलेप्सी इज ए रिकरेंट एपिसोड. इसमें बार बार जो एपिसोड आते हैं, जो नर्व की जो सेल होती है वो डिस्टर्ब होती है, जिसमें ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है न्यूरॉन की. जो मैनिफेस्टेशन आते हैं इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल जो मोटर जो सेंसरी फिनोमिना ऑफ इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट को. इंसिडेंट्स देखते हैं, एपिलेप्सी इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड एस्टिमेट 2.5 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड इन द यूएस विद एपिलेप्सी. अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड ऑफ ऑल एज ग्रुप ग्लोबली बाय एपिलेप्सी. अकॉर्डिंग टू वेंकटेश स्वामी 1998, द प्रीवलेंस ऑफ एपिलेप्सी इन इंडिया इज 4.4 पर 1000 पॉपुलेशन पर. जो एपिलेप्सी है ये कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन प्रॉब्लम है, जिसमें 2.2 to 4 मिलियन पीपल अफेक्टेड इन यूएसए. 50 मिलियन जो अफेक्टेड है वो एज ग्रुप ग्लोबली एपिलेप्सी. अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार 4.1000 पॉपुलेशन पे 4.4 लोग अफेक्टेड इंसिडेंट. एपिडेमोलॉजी में एजेंट फैक्टर है एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन, एग्जाम्पल लेड इन्फेक्शन एंड न्यूरोलॉजिकल इंजरी एंड फीवर. ये फैक्टर होस्ट फैक्टर के अंदर एज देखते हैं. मोस्ट कॉमन ऑनसेट ऑफ एपिलेप्सी इज बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर इज हायर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जेनेटिक इनहेरिटेंस CVA कार्डियक हाइपोक्सी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर एंड एब्सेस हो सकता है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी और ट्रॉमा हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वन एनवायरमेंटल फैक्टर, एयर पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेड पॉइजनिंग है. इसमें सम फैक्टर और इवेंट में बी प्रेसिपिटेट द सीजर्स, अनसिक हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ कॉजिंग बर्थ इंजरी एंड बर्थ एस्फिक्सिया, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, ड्रग एंड एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन. ये एनवायरमेंटल फैक्टर है
जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या लेड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, जो फैक्टर इवेंट है वो प्रेसिपिटेट द सीजर्स हो सकते हैं, अनस्किल्ड हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ कॉजिंग बर्थ इंजरी, बर्थ एस्फिक्सिया, इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसे एनवायरमेंटल स्ट्रेसर हो गए, ड्रग के अंदर एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गया। इसके अपन पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी अपन देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्रेन फंक्शन, जो ब्रेन के जो फंक्शन है वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, किन कारणों से होते हैं, एनी कॉजेज एग्जाम्पल जीनेटिक फैक्टर ऑफ हेड इंजरी मे कॉज ब्रेन सेल्स टू बिकम ओवर एक्टिवेट एंड टू डिस्चार्ज इन सडन वॉयलेंट डिसऑर्डरली मैनर द ब्रस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच स्प्रेड टू एडजस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन मे जम्प टू डिसेंट एरिया ऑफ CNS रिजल्टिंग इन सीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, जैसे अपन इसको समझने के लिए देखते हैं, जैसे पैथोलॉजी के अंदर डिस्टर्बेंस इटियोलॉजिकल कारण, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कारण, इंटियोलॉजिकल कारण में क्या हो सकता है, अल्टर्ड इंटेग्रिटी ऑफ द न्यूरोन इन द एपिनर्जिक फैक्टर फोकल फैक्टर, उससे क्या होगा हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ द न्यूरोन, जो न्यूरोन की एक्टिविटी है वो हाइपर एक्साइटेड, इसमें क्या हो जाएगा, पार्शियल डिपोलराइजेशन होगा। पार्शियल डिपोलराइजेशन मतलब जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है उसको कन्वर्ट करके फिर ये पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल जो गाबा रिसेप्टर होते हैं जिसे गाबा अमीनो ब्यूटरिक एसिड बोलते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे होगा इम्बैलेंस रिलीज इन एक्सिटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें ओवन सीजर है जो थ्रेशोल्ड हो गए, फिर एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस स्प्रेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, उससे क्या होगा, इससे सीजर डेवलप होगा। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज द एपिलेप्सी रेंज फ्रॉम द स्टार्टिंग एपिसोड टू प्रोलोंग कन्वल्जन विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वेरी अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व। जो क्लिनिकल उसके अंदर एपिलेप्सी, जो ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसमें जो सिम्टम आएंगे उसको अपन क्लिनिकल, इसको पार्शली और जनरलाइज कर सकते हैं। जो पार्शली सीजर्स होते हैं वो पार्शली सीजर्स के अंदर जो हेमिस्फीयर है, वन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और जनरलाइज के अंदर होल बॉडी इन्वॉल्व होती है। जैसे डायग्राम में अपने को दिखाया है कि जो जनरलाइज्ड है, जैसे पेशेंट को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई और पेशेंट सडनली कॉन्शियस होके और बेहोश हो गया पूरी तरीके से, और पार्शली के अंदर कोई भी ब्रेन का एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, जैसे न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन के जो नर्व इम्पल्सेज है वो उसमें अटैक करेंगे। देन इज द पार्शली सीजर्स। पार्शली सीजर्स मीन्स अपन देखते हैं, पार्शली सीजर्स के अंदर अपन देखते हैं द When seizures appear to the resulting from abnormal activity in just one part of the brain, इसमें जो electrical activity है वो one part की brain की disturb होती है, उसको अपन partially seizures कहते हैं। जो जैसे इसमें simple partial seizure है, इसका type है, partial को अपन focal भी बोल सकते हैं। They have elementary or simple symptom and there is no loss of consciousness is this, the पेशेंट में एक्सपीरियंस ओनली अ फिंगर ऑफ हैंड शेक, माउथ में जर्की अनकंट्रोलेबल, ही और शी मे टॉक अन इरिटेबिलिटी, मे फील डिजीनेस और मैनी एक्सपीरियंस अनयूजुअल और अनप्लीजेंट साइट साउंड ऑर्डर एंड टेस्ट। इसमें जो बताया गया है कि जो इसमें जो पेशेंट है उसमें सिंपल सिम्टम, देर इज नो लेवल ऑफ, उसमें पेशेंट को कॉन्शियसनेस नहीं है। द पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ फिंगर हैंड, जो उसका शेक कर रहा है, जो माउथ है उसका जर्की अनकंट्रोलेबल है, अपने नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीजर्स पार्सली के अंदर सीजर्स और कॉम्प्लेक्स, जो कॉन्शियसनेस है इज इम्पेयर्ड होती है पेशेंट की। फिर इसमें अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के अंदर क्या होगा, मतलब जो सिंपल फोकल है उसके अंदर जो पर्सन है वो तो कॉन्शियसनेस है, रिमेन इंटैक्ट है इसमें, ठीक है, और जो पर्सन है उसकी मोटर एक्टिविटी
अल्टर्ड है और जो परसेप्शन में भी अल्टर्ड है, और जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है उसमें जो पर्सन है उसका कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ अल्टर्ड होता है, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड होता है ड्यूरिंग इवेंट द सीजर्स में बी बिगिन एंड द ऑरा और पेशेंट मे बी हैव नो मूवमेंट और नो मूव्स ऑटोमेटिकली बट इन अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस मे एक्सपीरियंस एक्सेसिव इमोशन ऑफ फियर एंगर इरिटेबिलिटी डज नॉट रिमेंबर द एपिसोड व्हेन इज ओवर। ये पेशेंट को टाइम प्लेस और पता नहीं होता कि जिस टाइम वो एक्सेसिव जब मूवमेंट आते हैं उस टाइम। जर्नलाइज्ड सीजर, जर्नलाइज सीजर के अंदर होल ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जर्नलाइज सीजन ग्रैंड मल सीजर भी बोलते हैं। जर्नलाइज सीजर इन्वॉल्व बोथ द हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, देर इज इंटेंस रिजिडिटी ऑफ द एंटायर बॉडी फॉलो बाई अल्टरनेट ऑफ मसल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जर्नलाइज टोनिक क्लोनिक कॉन्ट्रैक्शन, दे आर द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। जैसे जर्नलाइज फीवर, जर्नलाइज सीजर है, इसमें टोनिक क्लोनिक सीजर होते हैं जो ठीक है, इसमें फेज जो सीजर है पेशेंट को डायग्राम में जैसे अपने बताया है। पेटेमल सीजर, इसमें कंफर्म आइडेंटिफिकेशन होता है जो पेशेंट है उसका होल, नोन एज द एब्सेंट ऑफ सीजर होते हैं। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 5 to 10 seconds के अंदर इसका मैक्सिमम टाइम है। जो टॉनिक सीजर होता है, टॉनिक सीजर के अंदर सडन लॉस ऑफ मसल टोन हो जाती है पेशेंट की और पेशेंट फॉल हो जाता है, अगर सिटिंग पोजीशन में है तो पेशेंट फ्लोर पर आ जाएगा, गिर जाएगा। फिर मायोटोनिक सीजर है, मायोटोनिक सीजर के अंदर जो पेशेंट है वो सडन अल्सरेशन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट खड़ा है स्टैंडिंग पोजिशन में है तो वो फ्लोर पर गिर जाएगा। इसमें ग्रैंडमल जो टॉनिक क्लोनिक सीजर, इसमें कंप्लीट सीजर इन द 5 stages, ऑरा स्टेज के अंदर जो फीलिंग ऑफ कमिंग सीजर, मतलब जो पेशेंट है उसको पता लग जाता है कि उसको सीजर आने वाला है। तो एग्जांपल जैसे बैड स्मेल आएगी पेशेंट को, फाउल परसेप्शन होंगे, डिजीनेस होगा, रेस्टलेसनेस होगा, जो पेशेंट की कंडीशन है वो अपने को देखने को मिलती है। अनकॉन्शियसनेस के अंदर पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस एंड फॉल ऑफ द फ्लोर। टॉनिक स्टेट के अंदर टॉनिक जो इस जो पेशेंट की इंक्रीज टोन एंड हैंड क्लीन चिट, जो हैंड है वो क्लीन चिट यू मतलब वो कस के बंद कर लेगा मुट्ठी, और जो जो है वो फ्लेक्स हो जाएगी, मसल रिजिड हो जाएगी पेशेंट की। ये 10 to 20 seconds का होता है। देन अपन टॉनिक फेज में अपन देखा स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड चेस्ट मसल्स विच प्रोड्यूस करेक्टराइज एपिलेप्टिक क्राई। फेस में भी बिकम पेल, हेड टर्न ऑन द वन साइड, आई फिक्स इन वन पोजिशन, हैंड आर क्लीन चिट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टंग इज बीटन, फ्रटी डिस्चार्ज फ्रॉम द माउथ, फ्रोथी मतलब जाग आएगा पेशेंट के मुंह से, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग, पल्स बिकम वीक एंड इररेगुलर, द स्टेट में भी लास्ट फॉर 30 seconds। क्रॉनिक फेज में अपन ने देखा जर्की मूवमेंट होंगे पेशेंट के अंदर 1 to 2 minutes तक, इन कंटिन्यूस ऑफ यूरिन एंड स्टूल, द पेशेंट रिलैक्स आफ्टर जर्की मूवमेंट एंड गोज इन टू डीप स्लोइंग एंड कोमा, ब्रीथिंग इज नॉइजी, द स्टेट लास्ट 1 to 2 minutes। पोस्टिंग स्टेट आफ्टर द सीजर द पेशेंट आर ऑफन कन्फ्यूज और हार्डर टू अराइज एंड मे स्लीप फ्रॉम फॉर हावर्स तक, मैनी कंप्लेन ऑफ हेड एक, मसल्स एक, फटीग एंड डिप्रेशन। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, एग्जांपल डिफिकल्टी लेबर, ट्रॉमा एंड बर्थ एस्पेक्सी हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, MRI करेंगे पेशेंट को डिटेक्ट टू लीजन ऑफ द ब्रेन, एग्जाम्पल एप्सिस ऑफ द ट्यूमर, EEG करेंगे टू क्लासीफाई द टाइप ऑफ सीजर, CT scan करेंगे पेशेंट का आइडेंटिफाई एपिलेप्टिक जेनिक जोन में, और ब्लड टेस्ट करेंगे कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे ग्लूकोज हो गया, इन्फ्लामेशन या कोई स्वेलिंग है। कन्फर्मेटी साइन के लिए अपन EEG पेशेंट का कन्फर्मेशन सीजर्स का। प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन यूज टू सेफ प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग बर्थ, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क मदर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर, असेंशियल ऑब्स्टेक्ल केयर डेट इज इंस्टीट्यूशन डिलीवरी टू प्रोवाइड बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेक्ल केयर,
बेसिक न्यूबोर्न रिससिटेशन सर्विसेज, स्किल अटेंडेंस ऑफ बर्थ एंड एप्रोप्रिएट रेफरल सर्विसेज फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए, अवॉइड करेंगे ड्रग इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट विद इज असेंशियल, जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई हिट्रोजोगस इंडिविजुअल फॉर एनी पर्टिकुलर डिफेक्ट बाई स्क्रीनिंग प्रोसीजर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिस्क ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड द मेरी मदर एंड द हिट्रोजाइगोटिक फॉर द सेम जीन. रिट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग कैन बी ऑफर टू दोज इंडिविजुअल कपल वे हेरिडिटी डिसऑर्डर फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ द सीजर्स हैव ऑलरेडी अकर्ड इन ऑर्डर टू सजेस्ट दैम टू एडोप्ट मैथड प्रिवेंट कंसर्न प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एंड स्टरलाइजेशन डिपेंड ऑन अपॉन योर सेकेंडरी प्रिवेंशन. इट इंक्लूड अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ केसेस, मेडिकल मैनेजमेंट. इट इंक्लूड नीड फॉर द लॉन्ग टर्म नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक यूज मेडिकेशन यूज ट्रीटमेंट अ सिंगल ड्रग थेरेपी एयर वे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई वी लाइन इज एस्टैब्लिश टू गिविंग मेडिकेशन. अगर पेशेंट को जरूरत है तो ऑक्सीजन एयर वे मेंटेन करेंगे, आई वी लाइन इस्टेब्लिश करेंगे और लॉन्ग टर्म इमीडिएट ट्रीटमेंट करेंगे, एपिलेप्टिक यूज देंगे ड्रग का. आई वी डाइजेपाम लोराजेपाम आर द एडमिनिस्टर स्लोली इन अटेम्प्ट टू द सीजर. जनरल एनेस्थीसिया विद अ शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट मे बी यूज टू इनिशियल ट्रीटमेंट इज अनसक्सेसफुली टू प्रिवेंट फर्दर सीजर्स. अदर मेडिकेशन फेनेटोइन फिनोबारबिटल आर द प्रिस्क्राइब आफ्टर द इनिशियल सीजर. सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, इन द इट इज इन इंडिकेट एट द फॉलोइंग कंडीशन. एनाटोमिकल लीजन, जैसे ब्रेन के अंदर कोई एनाटोमिकल लीजन हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, हेमेटोम हो गया, एप्सिस हो गया, या कोई सिस्ट हो गया है, तो उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव करेंगे. वोकल सीजर्स आर एज अ वेल ऑफ डिफाइंड एरिया ऑफ द ब्रेन डेट कैन बी एक्साइट विदाउट प्रोसीजर एंड सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट. टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर अपना एम होगा रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन. जो डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करेंगे, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन देंगे, पेशेंट को एनकरेज करेंगे पेशेंट थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन इन सम सूटेबल वोकेशनल, एनहांस द पेशेंट सेल्फ इस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिडक्शन फियर ऑफ द इनसिक्योरिटी. साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट हिज फैमिली मस्ट बी प्रोवाइडेड टू रिलीव द एंग्जाइटी एंड द फियर. सीजर्स मैन सेविंग द वर्ल्ड वन सीजर एट अ टाइम. नर्सेस का रोल क्या होगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी बाय रिमूव ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम फॉल बाय प्रोवाइडिंग साइड रेल विच शुड बी पैडेड, रिमूव पिल्लो एंड इजी टू पेशेंट टू द फ्लोर इफ पॉसिबल, रिमूव सिक्रेशन बाय सक्शन टू प्रिवेंट एस्फिक्सिया, टू कीप द एयर वे क्लीन, टर्न द पेशेंट टू साइड लाइन पोजिशन टू हेल्प इन ड्रेन सिक्रेशन. Never leave the patient done alone. The patient should not be restrained during the seizure attack. Patient है उसको sharp object उसके पास नहीं रखेंगे. Patient को provide, अगर वो मतलब bed पे है तो side rail provide कराएंगे patient को. Keep the airway के लिए silent position patient को turn करेंगे और जो airway secretion है वो aspirate नहीं कर जाए इसलिए patient को. Do not insert any thing patient mouth, close observation should be kept and the conscious level not fluctuation in mood and attitude, administer oxygen advised by physician, loose the patient cloth from around his or her neck, after the seizure put the patient on one side, prevent aspiration. Health teaching should be given to the patient and his family along care and follow up regarding the to continue medication as per physician advice, teach पेशेंट फैमिली रिगार्डिंग साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन. पेशेंट को साइड इफेक्ट कोई मेडिकेशन उसको ऑब्जर्व करेंगे. केयर ड्यूरिंग कन्वल्जन टू प्रिवेंट इंजरी, टंग बाइट नॉट रिस्ट्रेन फोर्सफुली ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन फेज, प्रॉपर न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, शुड अवॉइड स्टिमुलेंट, रिमूव स्टिग्मा अटैच टू द कंडीशन, शुड कैरी एमरजेंसी मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वियर द आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट,
काउंसलिंग ऑफ द फैमिली पेशेंट शुड बी डन रिगार्डिंग द टाइप नेचर ऑफ एपिलेप्सी नीड टू फॉलोइंग द ट्रीटमेंट रेजिमेन ऑफ फॉर लाइफ ऑफ Life of as the physician advised, teach the family and patient avoid fear, participant social recreation activity. पेशेंट को इमरजेंसी मेडिकल जो भी मतलब ज़रूरत है वो पेशेंट को देंगे और उसमें पेशेंट को इम्प्रूव करेंगे उसके रिक्रिएशन एक्टिविटी. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड एक्सरसाइज एक्सेसिव स्टिमुलेंट सच एज बींग अ लाइट ऑफ वियर डार्क फेस कवरिंग द आई ग्लास विद हैंड एंड नॉइज अवेलेबल एम्फेसाइज द रेगुलर फॉलोअप केयर के लिए इम्प्रूव करेंगे. फर्स्ट एड फॉर द सीजर्स कॉम्प्लेक्स पार्शियल एंड साइकोमोटर टेम्पोरल लोब जैसे ब्लैंक स्टेरिंग हो गया, चूइंग हो गया, फ्लम्बिंग हो गया, वेंडरिंग हो गया, शेकिंग हो गया, कन्फ्यूज स्पीच रिकॉग्नाइज करेंगे कॉमन साइन के लिए पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन. फॉलो अप फर्स्ट एड स्टेप के अंदर अपने डू नॉट ग्रैब होल्ड एक्सप्लेन टू अदर ब्लॉक हैजार्ड्स स्पीक कामी ट्रैक टाइम रिमेन एंड अनटिल सीजर एंड थैंकिंग योर स्टूडेंट.